कोटकासिम में पवित्र मनदीप द्वारा गीता उपदेश संस्कार शिक्षा पर प्रवचन भजन का आयोजन किया गया। नैतिक शिक्षा के बिना किताबी पढ़ाई बेकार है। राष्ट्रवादी संत संत भास्कर भारद्वाज पवित्र मनदीप के तत्वाधान में रविवार रात्रि को संस्कार शिक्षा और गीता उपदेश पर प्रवचन के साथ भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रवचन करते हुए राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज ने कहा कि गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ही भक्ति की जा सकती है। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं है तब तक सब कुछ बेकार है। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा पर ही किताबी पढ़ाई का महत्व होता है, अन्यथा किताबी पढ़ाई का जीवन की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। किताबी पढ़ाई हमें नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन अच्छा इंसान और महान व्यक्ति कभी नहीं बना सकती। जिसके अंदर नैतिक शिक्षा और सद्गुण नहीं है वह इंसान बेकार है। इस दौरान कालू राजा, संस्कार उर्फ गोली, प्रजापत, पंकज पवार, पवन योगी और जगदम्बा भारद्वाज एंड ग्रुप्स द्वारा भगवान के राजस्थानी सुंदर भजन गाए गए। इस दौरान गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने बच्चों को भी विशेष रूप से किताबी पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया और नैतिक शिक्षा का महत्व बताया। इस अवसर पर पवित्र मनदीप के संस्थापक एक विख्यात ज्योतिषी राष्ट्रवादी संत भास्कर भारद्वाज, सचिव संस्कार उर्फ गोली प्रजापत, मीडिया प्रभारी पवन योगी, भजन गायन कालू राजा, भजन गायक पंकज पवार, दुर्गेश उर्फ चिंटू योगी, यादराम वाल्मीकि, आनंद मेहरा, ओम श्रेष्ठ भारती, भजन गायिका जगदम्बा भारद्वाज, संतोष देवी, बिमला देवी, प्रेम देवी, लक्ष्मी देवी, संतरा देवी, दौरान मैंने कैसे जीवन संस्कारों से बदलता है उस पर विशेष बातचीत की। देखिएगा, गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योग कर्मेषु कौशलम, कार्य की कुशलता ही योग है। हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा जीवन बदलता है। और जब तक हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा नहीं है सारी डिग्रियां बेकार हैं। किताबी पढ़ाई हमें नौकरी दिला सकती है, लेकिन जीवन में महानता ज्ञान तत्व तो नहीं देती। जीवन में यदि हमें महान और ज्ञानी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए सद्गुणों को और नैतिक शिक्षा को जीवन में अवश्य उतारना है, क्योंकि नैतिक शिक्षा ही हमें महान बनाती है। नैतिक शिक्षा से ही हम ज्ञानी बनते हैं और सद्गुणों से हम अच्छे और महान इंसान बनते हैं। ओम।